चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जी हाँ, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर है आपका टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। जी हाँ, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो इसका आंसर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है। जी हाँ, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है। जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है आपका नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आपका डर्बी घुड़दौड़ के लिए। नेक्स्ट है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है। जी हाँ, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था। जी हाँ, तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर है आपका तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडी भाषा का युद्ध कब हुआ था। वांडी भाषा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपका 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। जी हाँ, कितने राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो इसका आंसर है आपका 14 दलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। जी हाँ, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर है आपका 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में। जी हाँ, 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका था। जी हाँ, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका था? इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। जी हाँ, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर है 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी किसकी रचना है। जी हाँ, मृगनयनी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है वृंदावन लाल वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। जी हाँ, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर है आपका राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई। जी हाँ, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो इसका आंसर है मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शासक किस मत के संरक्षक थे। जी हाँ, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे। चोल वंश जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। तो इसका आंसर है आपका शैव मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। जी हाँ, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो इसका आंसर है आपका पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है। जी हाँ, क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। जी हाँ, कूका आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है। जी हाँ,
महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 20.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? तो इसका आंसर है आपका सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? जी हाँ, भारत में जो पुर्तगाली ने अपना गवर्नर नियुक्त किया था उसका नाम क्या था? तो उसका आंसर है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।